गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 10, डिस्प्लेसिंग इंडिशियस पीपल। टुडेज अवर टॉपिक इज द नेटिव पीपल्स लॉस दियर लैंड, यानी कि जो अमेरिका के नेटिव पीपल्स थे, वहाँ के मूल निवासी, जो मतलब ये कह सकते हैं कि 1000 ईयर से वहाँ रह रहे थे, उन लोगों से ज़मीनें कैसे छीन ली गई या उन्होंने अपनी ज़मीनें क्या है, अपनी लैंड्स को कैसे खो दिया था, लॉस कर दिया था, उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले ही जो यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादातर यूरोपियन है, वो एक ट्रेडर बन करके आए थे, यूरोपीय बन के आए थे, लेकिन उनके साथ में एक बड़ी संख्या में यूरोपियंस कंट्री जो प्रोटेस्ट और कैथोलिक दोनों ही, मतलब क्रिश्चियन टाइप के जो लोग थे, वो उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में आ चुके थे और वो USA के उन एरियाज़ के अंदर क्या है, सेटल होते जा रहे थे। तो अगर वो सेटल होते इन द USA एज सेटल एक्सपेंडेड द नेटिव वर इंक्लूडिंग अनफोर्स टू मूव, और जैसे जैसे वो सेटल होते जा रहे थे वहाँ आकर के, उसी तरह से वहाँ के नेटिव पीपल्स को क्या है, ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था। यानी उनकी जैसे जैसे उनकी बस्तियाँ, यानी उनकी संख्या, यूरोपियंस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे क्या है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी ज़मीनें या तो खरीद ली गई या उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया बिल्कुल कम कीमतों के ऊपर। आफ्टर सिंगिंग ट्रीटी सेलिंग दियर लैंड्स द प्राइस पेड वेरी लो, उनको मतलब बिल्कुल ही नाम मात्र की कीमत दी जाती थी उनकी ज़मीन की, और एंड दियर आर इंस्टेंसिस व्हेन द अमेरिकन्स चीटेड बाय टॉकिंग मोर लैंड एंड पेइंग लेस देन द प्रॉमिस्ड। और उनसे जो ज़मीनें, मतलब ज़मीन बेच देने के लिए जो उनके साथ ट्रीट की जाती थी, संधि की जाती थी, तो उनको बहुत ही कम कीमत दी जाती थी। ऐसे भी एग्जांपल मिलते हैं कि यूरोपियों ने क्या है, मतलब धोखा करके उनसे काफ़ी सारी ज़मीन क्या है, छीन ली थी, और मतलब जब उनको पैसा देने की बारी आई तो उसमें भी वो क्या है, धोखाधड़ी करते थे, मतलब कि उनको कम पैसे देते थे, जितना उन्होंने प्रोमिस किया उससे भी काफ़ी कम देते थे। ए टर्म यूज़ टू मीन द यूरोपियन पीपल ऑफ द USA, तो यह क्या है, यूरोपियन पीपल USA के लोगों के साथ ऐसा करते थे। तो इससे वो नेटिव पीपल्स जो भोले वाले थे, पढ़ाए ज़्यादा, पढ़े लिखे नहीं ले थे, नेचर के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते थे, फॉरेस्ट के साथ रहना, यानी जंगलों में ज़्यादा रहना पसंद करते थे, तो उन लोगों से धीरे धीरे वो ज़मीन क्या है, यूरोपियंस पीपल जो वहाँ पर बसे हुए थे उन्होंने धीरे धीरे छीन ली। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी या जो ट्रेडर थे वो सारे के सारे किसके अंडर में आ चुकी थी, गवर्नमेंट उनके अंडर में आ चुकी थी, और इसलिए रूल्स वगैरह जो बनाए जाते थे उनके फेवर में, जो गोरे लोग थे यानी यूरोपियंस पीपल थे उनके ही फेवर में बनाई जाती थी। इवन हाई ऑफिशियल्स आर नथिंग रॉन्ग इन डिप्रीविंग द नेटिव पीपल्स ऑफ दियर लैंड्स, दिस इज सीन बाय द एपिसोड इन द जॉर्जिया इन स्टेट इन द USA। तो एवरी हाई ऑफिशियल आर नथिंग रॉन्ग, मतलब कि जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे उनको इस तरह से लैंड जो छीनी जा रही थी उनके साथ, वो कोई उनको क्या है, गलत नहीं लग रहा था, बल्कि वो इसको सही मान रहे थे। इस तरह की क्या है, USA का एक स्टेट है जॉर्जिया, उसके अंदर भी देखने को मिले थे, ऑफिशियल्स हैड एग्र्यूड दैट द चिरोकीज एक क्या है, ट्रिब्यूट, जनजाति का नाम है, जैसे हमारे नागाज ट्रिब्यूट्स है, इस तरह से वहाँ भी क्या है, एक ट्रिब्यूट थी, यानी एक जनजाति थी जिसका नाम क्या है, चिरोकीज है, वाज गवर्न बाय स्टेट लॉ बट कुड नॉट इंजॉय द राइट ऑफ सिटीजन। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट के लॉ, यानी गवर्नमेंट जो उन्होंने क्या है, कानून बनाए हैं, वो लागू तो होंगे, लेकिन इनको क्या है, जो सिटीजन राइट दिए जाते हैं वो इनको नहीं मिलेंगे। यानी चिरोकियों के प्रति भी वो एक तरह से क्या है, अन्याय कर रहे थे। मतलब जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि मूल निवासियों की जो ज़मीन छीनी जा रही है वो गलत नहीं है। तो जॉर्जिया के एग्जांपल में उन्होंने कहा कि जॉर्जिया क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है, यहाँ के अधिकारियों का तर्क था कि जो चिरोकी कबीला है इनके ऊपर, उसके ऊपर जो स्टेट के कानून है वो लागू होंगे, परंतु वो क्या है, नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका उपयोग वो क्या है, नहीं कर सकते, उनको जो राइट्स मिलेंगे वो उनका यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि जो लॉ है उनको इम्प्लीमेंट में वहाँ पर क्या है, लाया जाएगा। तो इस तरह से क्या है, उनकी ये कह सकते हैं कि जो जातियाँ थी वो क्या है, देखने को मिलती है। दिस वॉज डिस्प्यूट दैट फैक्ट दैट ऑफ ऑल द नेटिव पीपल्स द चिरोकीज वर वन हु हैड मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द लर्न इंग्लिश एंड टू on the most effort to the English and to understand the American way of life, even so they were not allowed the rights of the। इसमें मतलब दुख की बात यह है कि चिरोकीज ट्रिब्यूट्स ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंग्लिश सीखने की कोशिश की, या कि यूरोपियन का जो कल्चर है वो सीखने की कोशिश की, यानी अमेरिका में वो इस तरह रहने का
स्टार्ट कर दिया था, जिस तरह से क्या है यूरोपियन चाहते थे, फिर भी क्या है उनको इस बात से वंचित रखा जा रहा था कि वो क्या है राइट, उनको जो सिटीजन के राइट है वो अलाउ नहीं होंगे। मतलब जो ना ही कर रहे थे उनके ऊपर तो अलाउ थे ही नहीं, उनको तो राइट्स मिल ही नहीं रहे थे। बल्कि जो चिरोकीज क्या है ज़्यादा ज़्यादा चाहते थे कि वो क्या है यूरोपियंस की तरह लाइफ जिए, इंग्लिश भी सीख रहे थे, तो उनको भी क्या है इस तरह के राइट्स नहीं मिले थे। इन 1832 एन इम्पोर्टेंट जजमेंट वॉज अनाउंस बाय द US चीफ जस्टिस। 1832 के अंदर यूरोप के एक जस्टिस थे, US के जस्टिस चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वैसे तो सारे ज़्यादातर उस समय क्या है जो उच्च अधिकारी होते थे, जो हाई ऑफिशियस होते थे, वो क्या होते थे गोरे लोग थे। तो जॉन मार्शल ने क्या है एक अनाउंस किया था, उनकी जो अनाउंसमेंट थी काफ़ी अच्छी थी। ही सेड द चिरोकीज वर ए डिस्टेंस कम्युनिटी, उन्होंने कहा कि एक मतलब ये कह सकते हैं कि विशिष्ट स्पेशल कम्युनिटी है, डिस्टिनेट मतलब स्पेशल, एक स्पेशल कम्युनिटी है, ऑक्यूपाई इट्स ओन ट्रीटी इन विच द लॉ ऑफ द जर्जिया हैज़ नो फोर्स। उनके ऊपर क्या है ज़बरदस्ती जर्जिया के जो कानून है, जर्जिया स्टेट के अंदर जो कानून लगाए गए हैं, जर्जिया क्या था ज़्यादातर ऐसा स्टेट बन चुका था जिसमें ज़्यादातर क्या है जो नेटिव पीपल्स वहाँ के हैं USA के वो रहते थे, तो वो क्या है लागू नहीं होगा उसके लिए, ज़बरदस्ती वहाँ पर नहीं की जाएगी, यानी वहाँ का कानून लागू नहीं होगा। इस मामले में वो क्या है सोवरनिटी उनको प्रभुसत्ता संपन्न है, यानी कि वो अपना कानून खुद बना सकते हैं या उनको जो सिटीजन राइट है वो मिल सकते हैं। लेकिन जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बने हुए थे एंड्रयू जैक्सन, USA के प्रेसिडेंट बने हुए थे, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। बाकायदा जो प्रेसिडेंट ये बने थे एंड्रयू जैक्सन, वो क्या थे वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो प्रिविलेंस हैं, जो विशेषाधिकार मिले थे या जो विभिन्नता थी स्टेट के अंदर उसको दूर करने के लिए बने थे। उनका मतलब ये कह सकते हैं कि उनके मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्र में या इलेक्शन के अंदर उन्होंने ये कहा था कि कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिविलेंस है, विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो विभिन्नताएं हैं उसको वो क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे। बट जैसे ही क्वेश्चन आता है इंडियंस का, इंडियंस ही वाज ए डिफरेंट पर्सन, ही रिफ्यूज टू होनर द चीफ जस्टिस जजमेंट एंड ऑर्डर टू द US आर्मी टू इवेंट द चेरोकीज फ्रॉम दियर लैंड एंड ड्राइव देम टू इन द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट। तो लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन आता है कि जो मुख्य न्यायाधीश ने ये बात कही है कि उनको बराबर माना जाए, तो वो इस बात से इनकार कर देते हैं। वो इंडियंस को कभी भी USA आर से जो मोल, या आप नेटिव पीपल्स भी बोल सकते हो इंडियंस की गए हैं, या USA के जो नेटिव पीपल्स हैं उनको इक्वलिटी की बात आती है तो वो भी इस बात से मुकर जाते हैं और क्या है USA की आर्मी को क्या है ऑर्डर दे देते हैं कि वो क्या है उनको खदेड़ दें, वहाँ से भगा दें और उनको जो डेजर्ट का एरिया था, जर्जिया की तरफ डेजर्ट का, अमेरिकन डेजर्ट का एरिया है, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट का, उसकी तरफ उनको क्या है खदेड़ दिया जाए। ऑफ द 1500 पीपल्स फोर्स टू गो, लगभग 15,000 लोगों को वहाँ से क्या खदेड़ दिया गया है। एंड अवे क्वार्टर डाइड अलोंग विद द ट्रेल ऑफ टीयर्स। ट्रेल ऑफ टीयर्स किसको कहा गया है, ट्रेल ऑफ टीयर्स मतलब आंसुओं की राह, मतलब जब उनसे ज़मीनें छीन ली गई तो वो इतना दुखी हो गए थे कि इनमें से 1/4 तो किसके कारण मर गए थे, उस दुख के कारण ही मर गए थे। तो इसलिए इसको काफ़ी जो पॉलिटिशियन है या राइटर्स हैं या पोइटर्स हैं उन्होंने ट्रेल ऑफ टीयर्स का नाम दिया गया था कि आंसुओं की राह के अंदर ही क्या है वो उन लोगों ने अपनी मतलब जीवन को खो दिया था, अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो दोज हु टुक इन द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द ट्रिब्यूट जस्टिफाइज इट बाय सेविंग एंड नेटिव डिड नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई लैंड विच दे डिड नॉट यूज टू द मैक्सिमम। अब मूल निवासियों को कुछ ज़मीनें तो प्राप्त की गई, लेकिन प्राप्त करने वाले लोग इस आधार पर अपने कार्य को उचित ठहरा रहे थे कि मूल निवासी जमीन का क्या है अधिकतम उपयोग नहीं जानते थे। मतलब कि उनको ज़मीनें इसलिए छीनी जा रही थी कि क्या है जो नेटिव पीपल्स हैं, यूरोपियंस का कहना था कि जो नेटिव पीपल्स हैं वो मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको यूटिलाइज का पता ही नहीं है कि यूज़ करना कैसे है। मतलब कि वो बिल्कुल इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ अपना जीवन जीना जानते हैं, उनको उसके यूटिलाइजेशन का या डेवलपमेंट का हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी पता नहीं है। दे वेंट ऑन टू क्रिटिसाइज देन टू बींग ए लेजी सिंस, और उनको क्रिटिसाइज उनकी आलोचना की गई कि वो बिल्कुल आलसी हैं, बिल्कुल लेजी लोग हैं, उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वे उन्होंने कहा कि लेजी हैं। और सिंस दे डिड नॉट यूज दियर क्राफ्ट स्किल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द मार्केट, फॉर नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन द लर्निंग इंग्लिश एंड
ड्रेसिंग करेक्टली। उन्होंने कहा कि वो अपनी क्राफ्टिंग स्किल जो उनको आती है वो उनका यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे, कोई भी मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं बना रहे हैं, इंग्लिश को सीखने में अपनी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ना ही उनकी जो ड्रेसिंग है वो करेक्टली है। यानी कहने का मतलब है कि वो एक तरह से खानाबदोश लोग हैं, उनका मानना था, यूरोपियंस का आलोचना करते थे कि वो मतलब स्किल को सीखने में, इंग्लिश को सीखने में, सही ढंग के कपड़े पहनने में उनकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए वो क्या है, मरने के लायक है। मतलब वहाँ के अधिकारी बोलते थे कि वो मर खप जाने के लायक है। विच मीन लाइक द यूरोपियंस, जिस तरह से यूरोपियन रहते थे वैसे, दे डिजर्व टू डाई आउट दे अर्गो, डाई आउट का मतलब मर जाने के लायक है, मतलब कि मरने खपने जाने के योग्य हैं, यानी उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो द प्रेस वर डिक्लेयर द फार्म लैंड एंड द विल्ड बिशन किल्ड ऑफ, और इस तरह से क्या है, खेती के लिए वो जो लैंड्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने पेरिस को साफ किया, जो यूरोपियन कंट्री है, जो विल्ड बिशन था यानी जो जंगली भैंसा था, जिसको पहले यूरोपियंस के आने से पहले क्या है, वहाँ के लोग सिर्फ इतना ही मतलब मारते, वो भी थे लेकिन इतना ही मारते थे जो उनका यूज़ खाने वगैरह के लिए यूज़ हो जाए, उन्होंने मार दिया। तो एक राइटर्स ने तो यहाँ भी कहा था कि प्रीमेटिव मैन विल डिस्पेज विद द प्रीमेटिव एनिमल रोंग ए विजिट, फ्रेंच में एक फ्रांसीसी मतलब जो आगंतुक था, या उसने क्या एक बुक राइट की थी, तो उसने ये कहा था कि मतलब कि जो विल्ड एनिमल्स को मारा जा रहा है उसी तरह से विल्ड क्या है, ह्यूमंस बीइंग भी क्या है, लुप्त हो जाएगा, यानी उनको भी मार दिया जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या है, आदिम जीवन जी रहे हैं, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी लैंड्स को क्या है, धीरे धीरे छीन लिया गया और वो वहाँ के नेटिव पीपल्स जो थे उनको भगा दिया गया, इस तरह से उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। तो ये एक टेबल दे रखी है आपको 80-100 और 80-20, यानी 20 साल बाद यूएसए की क्या कंडीशन थी और अमेरिका की पहले क्या कंडीशन थी। तो यानी कि इसमें दिखा कि नेटिव पीपल्स जो 7.5 मिलियंस थे वो क्या है 20 ईयर बाद क्या है 0.6 मिलियन हो गए। तो आप देख सकते हो कि इनकी संख्या कितनी कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि उनको मार दिया गया। वाइट्स जो जो क्या है 1800 में 3.3 मिलियन से वो 9 मिलियन तक पहुंचे गए थे, यानी कि मिक्स थे 5.3 मिलियन से, जो मतलब गेहुआ रंग के थे, यानी ना ब्लैक थे ना वाइट थे, वो क्या है उनको भी मार दिया गया, हटा दिया गया, तो 5.3 से लेकर के 1 मिलियन तक 0.1 मिलियन तक वो आ चुके थे, जबकि ब्लैक 0.8 मिलियन थे, उनकी संख्या कुछ बड़ी थी 1.9 मिलियन क्योंकि वो संघर्ष कर रहे थे। तो इस तरह से टोटल जो संख्या थी 16.9 मिलियन वो कम होकर के 11.6 मिलियन तक आ चुकी थी। तो इसका कहने का मतलब है कि किस तरह से नेटिव पीपल्स को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी वाक्य में क्या थी, ट्रेजेडी थी। तो इसलिए क्या है, उनको मारा जा रहा था। आगे मीन वाइल द नेटिव पुश्ड वेस्टवर्ड गिवन लैंड एस वेयर देयर वाज द प्रॉस्पेरिटी बट ऑफ्टन मूव्ड अगेन इन द मिनरल्स लैंड एंड द गोल्ड और द ऑयल वाज फाउंड फॉर द लैंड्स। उन्होंने कहा कि जो वहाँ के नेटिव पीपल्स थे उनको वेस्ट की तरफ भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, मतलब जहाँ पर भी ज़मीनें उनको अच्छी जा रही थी, क्योंकि वेस्ट की तरफ क्या था, ज़्यादातर डेजर्ट था, तो उस डेजर्ट की तरफ उनको खदेड़ दिया गया कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर रहिए, अच्छी ज़मीनें उनसे ले ली गई, मतलब स्थायी वहाँ पर जो वेस्ट की तरफ उनको क्या है कुछ परमानेंट क्या है ज़मीनें दे दी गई, परंतु यह कहा गया कि इस ज़मीन में अगर क्या है किसी तरह का गोल्ड निकलता है, लीड निकलता है या ऑयल पाया जाता है तो उनसे क्या है वो ज़मीनें वापस छीन ली जाएगी, यानी वापिस वहाँ से खदेड़ दिया जाता था और आगे भेज दिया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनको परमानेंटली नहीं रहने दिया जाता। मैनी ट्रिब्यूट्स वर फोर्स टू द शेयर द लैंड ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय वन ट्रिब्यूट्स थस लीडिंग इन द क्रूअल बिटवीन दैम। कुछ को तो क्या है काफ़ी समूह है, जैसे नेटिव पीपल्स पहले क्या रहते थे ग्रुप्स में रहते थे, तो कई ग्रुप्स को क्या है कई कबीलों को क्या है एक ही ज़मीन दे दी गई, जिससे वो क्या है आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ लड़ करके है मर जाते थे, उनके बीच में क्या है क्रूअल चलते रहते थे, झगड़े चलते रहते थे। तो दे वर लुक्ड ऑफ इन द स्मॉल एरिया कार्ड रिजर्वेशन, और जिस छोटे से एरिया के अंदर क्या है उन नेटिव पीपल्स को रखा गया या उनको दी गई उनको क्या है रिजर्वेशंस क्या गया, यानी आरक्षित, जिसको हम आज आरक्षण बोल देते हैं, यानी उन एरिया को छोटे छोटे एरिया को रिजर्वेंस कहा गया कि ये आपके लिए रिजर्व है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। उनको प्राय ऐसी ज़मीन दे दी जाती थी जिनसे पहले उनका कोई नाता थी नहीं था, मतलब कि डिजर्ट एरिया जहाँ एनिमल्स भी नहीं थे, फसलें भी नहीं होती थी, वो अपना जीवन भी मुश्किल से चला पा रहे थे, तो ऐसी ज़मीनें क्या है उनको दी गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्या है संघर्ष किया, उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी,
the US Army crushed the series of rebellion in the 1865 to 1890. लगभग क्या है आप 25 years क्या है US Army ने उनको क्या है एक सीरियस मतलब काफ़ी लंबे समय तक एक लंबी श्रृंखला के साथ उनको मारना पड़ा था, उनका दमन करना पड़ा था, जिसके कारण वो क्या है वहाँ से छोड़ करके चले गए थे. एग्जाम्पल मिलता है कनाडा का नास्ट अंदर. तो इन कनाडा देयर वर आर्म्ड रिवोल्ट इन द मिड्स पीपल ए नेटिव यूरोपियन डिसेंट्स, यानी यूरोप के मूल निवासियों के जो वंशज थे जिनको मेटिसो बोला जाता है, उन्होंने 1869 से 1865 तक क्या है काफ़ी विद्रोह किए, शस्त्र अस्त्रों के साथ विद्रोह किए, यानी कि बट आफ्टर दे वट गिव अप, और परंतु इसके बाद उन्होंने क्या इन लड़ाइयों में हार मान ली थी और बाहर के डेजर्ट के एरिया के अंदर रहने थे. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने क्या है उनकी ज़मीनें छीनी और उनको क्या है नुकसान पहुंचाया और उनको खदेड़ करके बाहर निकाल दिया गया और उनकी कंडीशनें काफ़ी ख़राब कर दी गई. तो ये आपका टॉपिक था कि किस तरह से लैंड लूज की गई, किसके द्वारा, उनके नेटिव पीपल्स के द्वारा अपनी ज़मीनें खो दी गई. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.